मन के संग सुरभि वर्मा विस्तार न्यूज देखा था आप मन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी बुलेटिन के दिखैया मन के स्वागत है। बुलेटिन में मैं आप मन ला छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला बताऊं। अब हेडलाइन के बाद देखथन आज के बड़ी खबर। अभी बेरा के बड़े खबर आते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के आज बस्तर दौरा मा रही नारायणपुर मा प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा ल करी संबोधित। आम्बोल गांव मा हुई पीएम मोदी के जनसभा। अब दूसरी बड़ी खबर आप मन देखा था, 13 अप्रैल के छत्तीसगढ़ आई कांग्रेस नेता राहुल गांधी बस्तर के दौरा मा रही। राहुल गांधी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट घलो रही मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करही रैली। 13 अप्रैल के छत्तीसगढ़ आई कांग्रेस नेता राहुल गांधी कवासी लखमा पर करही चुनाव प्रचार। पहली तस्वीर आप देखा था प्रधानमंत्री मोदी के आज बस्तर दौरा में नारायणपुर में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा ला करही संबोधित। आम्बोल गांव में हुई पीएम मोदी के जनसभा। नारायणपुर क्षेत्र के 5000 ग्रामीण सभा में हुई शामिल। मंझनिया 12 बजे ले शुरू हुई चुनावी सभा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरा लाले के तैयारी शुरू। देखा तो आप मन आपके टीवी स्क्रीन में दो बड़का खबर आज के। जी हाँ, पहली तस्वीर आप मन दिखा दन कि प्रधानमंत्री मोदी के आज बस्तर दौरा है। नारायणपुर में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा ला संबोधित करी। आम्बोल गांव में हुई पीएम मोदी के जनसभा। नारायणपुर क्षेत्र के 5000 ग्रामीण हुई सभा में शामिल। मंझनिया 12 बजे ले शुरू हुई चुनावी सभा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरा ला लेके तैयारी पूरा। दूसरे बड़े खबर आपन देखा तो आपको टीवी स्क्रीन में कि 13 अप्रैल के छत्तीसगढ़ आई कांग्रेस नेता राहुल गांधी बस्तर के दौरा में रही। राहुल गांधी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट घलो मौजूद रही। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करी रैली। 13 अप्रैल के छत्तीसगढ़ आई कांग्रेस नेता राहुल गांधी कवासी लखमा पर करी चुनाव प्रचार। और दोनों खबर ला विस्तार से बताए पर हमारे संग हमारे संवाददाता खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, चुनाव रैली के शुरुआत हो गए है। अब पहली जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है बस्तर के दौरा में रही हुए कांग्रेस के जो राहुल गांधी नेता जो है वह पहली दरी जो आई था पहली बस्तर के दौरा में रही। का दोनों ही पार्टी दरी बस्तर लाई फोकस करे थे का? देखाओ काबर की छत्तीसगढ़ है सुरभि, छत्तीसगढ़ हा आदिवासी इलाका है। ऐसा में जो आदिवासी सीट है खासकर बस्तर लोकसभा सीट ओला साधे के प्रयास दोनों पार्टी करत। अगर आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बात करें सुरभि, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा दोपहर करीब 1 बजे सभाला संबोधित करते हुए नजर आई। और काबर की जो रास्ता बस्तर हा नक्सल इलाका हरे, तो ऐसा में 4 लेयर के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो करे गए। 2000 से ज़्यादा जवान मन प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तैनात रहिया हवे। बस्तर लोकसभा सीट एकर बा भारतीय जनता पार्टी पर खास हो जाते सुरभि, काबर की बस्तर में अभी कांग्रेस के जो है सांसद हवे। ऐसे में बस्तर लोकसभा सीट ले जीते बा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मन जुटे हवे। ओकर लिए अलग अलग तरीके से प्लानिंग हो, यही कारण हवे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ सभा कराए जाते। प्रधानमंत्री ले सुने बर बड़ संख्या में लोगन मन भी पहुँचने वाला है। करीब 1 लाख लोगन मन वो सभा में पहुँचने वाला है। 3 तरीके के जो डोम बनाए गए हवे, मुख्य मंच बनाए गए हवे, जेमा छत्तीसगढ़ महतारी और बस्तर के तमाम जो आदिवासी मन के नृत्य के जो तस्वीर है वो देखे ले मिली। तो कुल मिलाकर बस्तर दौरा बहुत खास हवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अलग अलग तरीके से जो चुनावी संखनात कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो बड़का नेता है बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करने वाला है। अगर दूसर बात करें तो 13 अप्रैल के जो राहुल गांधी है कांग्रेस के नेता है वो बस्तर में ही पहुंचने वाला है। बस्तर में चुनावी संखनात करने वाला हवे। बस्तर में ओकर लिए तैयारी भी कांग्रेस पार्टी शुरू कर दे हवे। दीपक बैज जो PCC चीफ है ओकर से जब हमार बातचीत हुई थी ओकर कहना रही कि नेता मन जब आई तो अलग अलग तरीके से कार्यकर्ता मन रिचार्ज करे के काम करते। हम देखे रहे हैं पांचों दरी जब लोकसभा चुनाव हुई तब भाजपा ला जो है बहुत बड़े कुछ जीत हासिल नहीं हुई। पर बस्तर लोकसभा सीट जो रही से कांग्रेस के नाम हो गई रही से ए दरी का अलग थे बस्तर हो सकते का बीजेपी के नाम में। देखो जिन तरीके ले भारतीय जनता पार्टी तैयारी करे सुरभि, निश्चित तौर पर ये कह सकथन कि कहीं ना कहीं बस्तर सीट ला जीते बा जितका तैयारी करना रही से भारतीय जनता पार्टी ले पूरा तैयारी करे। काबर की कार्यकर्ता वाला रिचार्ज करे के काम CM विष्णुदेव साय करी से। काबर की लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन
आयोजित करे जाते, हर एक विधानसभा के कार्यकर्ता मन के बात ल सुने जाते, का कुछ कमी है ओला दूर करे जाते। एकर अलावा तमाम जो बड़का नेता है वो मन आते। एकर अलावा बूथ ला मजबूत करे के काम भारतीय जनता पार्टी करे है। एक एक बूथ ला जीते के काम लगातार बातचीत करत रही से भारतीय जनता पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता मन ला वहाँ के नेता मन ला और 12 से ज़्यादा बड़का नेता मन ला छत्तीसगढ़ के बस्तर जो लोकसभा है ओकर जिम्मेदारी दे। तो कुल मिलाकर जितका तैयारी करना रही भारतीय जनता पार्टी है सब्बो तैयारी करत है। कहीं ना कहीं ये कह सकथन कि एड़ी चोटी के जो जोर है वो भारतीय जनता पार्टी है लगात है। काबर की बड़का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चलत है। सुरभी 400 पार के नारा दे भारतीय जनता पार्टी। ऐसा में छत्तीसगढ़ के जो 11 लोकसभा सीट है खासकर जिन जिन सीट में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है जैसे कोरबा लोकसभा सीट है और बस्तर लोकसभा सीट है ऐसा सीट मन में और ज़्यादा जोर लगात हवे ताकि वो सीट मन कैसे जीता जाए। वही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा आयोजित करे गया और प्रधानमंत्री आदिवासी मल्ला आज साधत हुए। कहीं ना कहीं आप बस्तर हा मोदी में ही होने वाला है। सुरभि ठीक है खुमन, मैं आपके रुख दोबारा फेर करूं अभिबन, धन्यवाद। जैसे कि हमारे संवाददाता खुमन साहू बताएं कि आज प्रधानमंत्री मोदी के जो है बस्तर के दौरा है। पहली जो बस्तर के अभी जो सीट है वो है कांग्रेस के नाम है जिला और ए दरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो मेन फोकस करत है कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम में नहीं है ओला कैसे भारतीय जनता पार्टी के नाम में करे जाए। दूसरा बड़े खबर है बेरा कि आप मान लो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पहली छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार जारी हो गए है। कांग्रेस का सोशल मीडिया में पोस्ट करके पीएम मोदी ऊपर साधी निशाना। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखे ना आज बस्तर पधारत है साहब, स्क्रिप्ट मिल चुके हैं यही हुआ है। कांग्रेस के पोस्ट में बीजेपी का इस पलटवार, सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस ऊपर साधी निशाना। नेता प्रतिपक्ष रंदास महंत के करीन कार्टून जारी, सोशल मीडिया के जरिए नेता प्रतिपक्ष पर करी हमला। लिखे चरणदास जी आज आपके हर छत्तीसगढ़िया कहा थे मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मोला मार। तब बीजेपी चरणदास महंत ला विवादित बयान के बाद सरलग घिरा थे। आप मन अपन टीवी स्क्रीन में देख सकत हो कि बीजेपी और कांग्रेस मा चुनाव के पहली जो है सोशल मीडिया में एक दरीफे से जो है हमला शुरू हो गए है। सोशल मीडिया में जो है वॉर शुरू हो गए है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर जो है तंज कसत है। अब दोनों खबर पर एक बार फिर हमन रुक करबो हमारे संवाददाता खोमन साहू के। खोमन, सोशल मीडिया वैसे एक चीज हो गई है जहाँ पे सब लोग जो रिथे मौजूद रिथे और अभी जो है चुनाव सामने है और दोनों ही पार्टी जो है सोशल मीडिया में वार चालू करते एक दूसरे के खिलाफ जो है पोस्ट जारी करते थे, कितना असर जो है चुनाव में देखे बर मिली है कर। देखो सुरभि, जब जब चुनाव नजदीक आते सोशल मीडिया वार शुरू हो जाते। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस के बात करन चाहे बीजेपी के बात करन, काबर की सब नेता मन ला एक दूसरा वार पलटवार करा थे। बीजेपी तो जबले लोकसभा चुनाव के ऐलान हुए हैं ओकर बाद से अलग अलग तरीके से भारतीय कांग्रेस पार्टी के एक एक जो लोकसभा के प्रत्याशी आवे ओ मन ला साधत हवे। हर दिन एक नवा पोस्ट देखे पर मिलते कि कभू बस्तर के लोकसभा प्रत्याशी 81 लाख में ओकर बा ओकर खिलाफ पोस्ट करते भारतीय जनता पार्टी है। तो अलग अलग तरीके से पोस्ट करे के काम करते थे। फिर इधर ही बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी ये घलो सोशल मीडिया में पोस्ट करा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा के पहली सोशल मीडिया वार शुरू हो गए। यही कारण है कि जब सोशल मीडिया में कांग्रेस हा पोस्ट करे हवे कि जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरा में आ थे तब फिर जुमला करी फिर झूठ बोल के जाही ऐसा जो बात है वो सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी है लिखा थे। और बीजेपी के नेता मन भी एक पलटवार करा थे कि प्रधानमंत्री जब जब छत्तीसगढ़ आते जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता है वो मन कांपते थर थर कांपते। तो ऐसा बयानबाजी लगातार देखे पर मिला थे। और भारतीय जनता पार्टी तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल करते, काबर की एक बड़े संख्या सोशल मीडिया वाला इस्तेमाल करते। ऐसा में सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे लोगन मन के बीच में पहुंचा जाए सुरभि, ये बड़े कहीं ना कहीं हथियार अब राजनीतिक पार्टी मन के हो गए हैं। और यही कारण हवे कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर सोशल मीडिया में वार पलटवार करते। और आने वाले दिन में भी जब तक चुनाव रही तब तक ये तरीके से जो वार पलटवार है जो सोशल मीडिया में हमारा देखे मिला थे आने वाला दिन में भी जारी रही। ठीक है कुमार, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि हमारे संवाददाता खोमन साहू हमन ला बताइस कि चुनाव सामने आते ओकर बाद जो है सोशल मीडिया में पोस्टर वार होना चुनाव के समय में आम बात है। दोनों ही पार्टी जो है एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। वहीं कांग्रेस जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा ला लेकर के कहे है कि आज फिर आ गए है, फिर पधार गए है साहब, अब फिर जो है लबारी मारी। इतवार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय जसपुर के प्रवास में रही। जी हाँ, पत्थल गांव में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई और लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ता मल्ला जीत के मंत्र दी। संघी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिला में 1 लाख ले ज्यादा वोट ले लोकसभा जीत दिलाए बर कहीं। विधायक गोमती साय के नेतृत्व में पत्थल गांव विधानसभा के 275 बूथ में 50,000 ले ऊपर के लक्ष्य कार्यकर्ता मल्ला दी। आओ कांग्रेस ऊपर हमला करत कहीं कांग्रेस हमेशा रायगढ़ लोकसभा में पाछू रहे थे। इधरी घलो कांग्रेस के खाता नहीं खुलना चाहिए, कहीं हर एक कार्यकर्ता ला मिलके काम करना है, जेकर ले कांग्रेस के घोषणा पत्र झूठ के बुलिंदा साबित होए। कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, कांग्रेस का पुलिंदा ही है कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता का विश्वास हो चुकी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, एयर स्ट्राइक भी हुआ, किस तरह से उनके घर में घुस के पाकिस्तान के सैनिकों को मारे और तब से पाकिस्तान की गिदड़ भपकी बिल्कुल बंद हो गई है।